हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ हाईलाइटेड वर्ड। देखिए इस क्वेश्चन में जो हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा है आपको ब्रोकन, इसकी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी क्या है। यू हैव ब्रोकन माई ग्लास, तुमने मेरा ग्लास तोड़ा है। तो ये ब्रोकन क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए, मैं वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ। देखिए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी वर्ब, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। यू हैव ब्रोकन माई ग्लास में ब्रोकन जो है वर्ब है। देखिए देखिए आपको हैव हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव और हैज के बाद में, तो ये वर्ब होगा ध्यान रखना। ब्रेक ब्रोक और ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है आपके सामने, दिस इज ए ब्रोकन चेयर। अब इस वाले ब्रोकन की आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। ऑप्शन आपके सामने चार, फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव और फोर्थ है वर्ब। कि ये भी वर्ब है क्या? तो देखिए ये वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है, ध्यान रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करती है और इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखिए चेयर दिख रही है आपको, चेयर एक नाउन है, कुर्सी, और इस नाउन को चेयर को क्वालिफाई कर दिया इस ब्रोकन ने, दिस इज ए ब्रोकन चेयर, ये टूटी हुई कुर्सी है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ध्यान रखना। वन वर्ड में प्ले डिफरेंट ग्रामेटिकल प्रोफाइल डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेसमेंट। एक ही वर्ड एक से ज़्यादा ग्रामेटिकल प्रोफाइल होल्ड कर सकता है उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। प्लेसमेंट आपने चेंज करी तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। अब देखिए नाउन से पहले यूज हुआ है ना, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर दिया इसने, चेयर को क्वालिफाई कर दिया। कौन सी कुर्सी की? वो टूटी वाली कुर्सी, दिस इज ए ब्रोकन चेयर, यह टूटी हुई कुर्सी है। तो ध्यान रखना, वर्ब के थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती है और ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। ही हैज़ अ लिटिल नॉलेज। अब इस लिटिल के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए आप, ये क्या है? फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव और फोर्थ है वर्ब। देखिए इफ यू आर एबल टू फिगर आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ ग्रामेटिकल प्रोफाइल होल्ड दैट वर्ड्स, यू नो ग्रामर। अगर आप किसी सेंटेंस को ब्रेक कर पा रहे हो और आप ये पता लगा सकते हो कि सेंटेंस में जो वर्ड है ये क्या है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपके ग्रामर पर कमांड अच्छी है। तो देखिए आपको लिटिल बताना है, लिटिल क्या है, तो अगेन देखिए फिर ये लिख रहा आपका नॉलेज, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और नाउन से पहले यूज हो गया लिटिल, तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, एडजेक्टिव हो जाएगा ये लिटिल। नेक्स्ट आपके सामने, सी इज अ वेरी गुड प्लेयर। सी इज अ वेरी गुड प्लेयर, अब इस वेरी के पार्ट से भी आप बताइए क्या है? फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव और फोर्थ है एडवर्ब। देखिए प्लेयर एक नाउन है, प्लेयर को क्वालिफाई कर रहा है गुड, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और इस गुड को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, इस गुड की डिग्री बढ़ा रहा है, तो ये वेरी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो ये वेरी है एडवर्ब। नेक्स्ट है आपके सामने, दे डांस वेरी वेल, वह बहुत अच्छा डांस करते हैं। अब आपको इस डांस के पार्ट सब स्पीच बतानी क्या है? फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव और फोर्थ है वर्ब। तो देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं वर्ब, तो ये डांस हो गई यहाँ पे वर्ब। दे डांस, वे डांस करते हैं, तो डांस यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट देखिए आप, आई लाइक हर डांस। अब इस डांस में बताइए ये डांस क्या है, क्या ये भी वर्ब है क्या? अब वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए, मैं वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो डांस है ये नाउन है, क्योंकि इससे पहले यूज हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव कभी बिना नाउन के नहीं आता, इसके बाद हमेशा नाउन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नाउन। आई लाइक हर डांस, इससे पहले वाले में डांस वर्ब था, बट यहाँ वर्ब ये है लाइक वर्ब है, मैं पसंद करता हूँ उसके डांस को, तो डांस यहाँ पे नाउन है, ध्यान रखना। ही प्लेस डैश, ही प्लेस गुड या ही प्लेस वेल, देखिए दोनों का अच्छा है, दोनों का मतलब होता है अच्छा। ही प्लेस वेल या ही प्लेस गुड, वो अच्छा खेलता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल,
प्ले जो है ये वर्ब है, और वर्ब क्वालिफाई किसको करता है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। ही प्लेज गुड गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गुड तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, और ये वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, आप ही इज ए प्लेयर, ये दोनों ऑप्शन इसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब बताइए प्लेयर से पहले हम यूज क्या करें, वह अच्छा प्लेयर है, ही इज ए गुड प्लेयर या ही इज ए वेल प्लेयर। तो देखिए ये नाउन है ना प्लेयर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गुड, क्योंकि नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, और ऊपर वाले में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था तो वो हो गया था एडवर्ब। ये ध्यान रखना, अभी छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका गुड इज एन एडजेक्टिव, गुड एक एडजेक्टिव है, तो आपको बताना है गुड क्या है, इस क्वेश्चन में गुड क्या है। गुड एक एडजेक्टिव है ये तो सबको बताया, बट इस क्वेश्चन में गुड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो देखिए सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब दिख रही है आपको इज, तो इज से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नाउन। गुड है आप इस क्वेश्चन में नाउन है, ध्यान रखना आप। आइडेंटिफाई द नाउन, अब आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है, चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए चारों में से कौन सा नाउन है। फर्स्ट है ब्रेव, सेकंड है ब्रेवरी, थर्ड है ऑनेस्ट और फोर्थ है इंटेलिजेंट। चारों में से कौन सा नाउन है बताइए आप। देखिए इसका मतलब है बहादुर, ये बहादुरी, ये ऑनेस्ट हो गया और ये इंटेलिजेंट हो गया, बताइए इनका मतलब। तो आपको बताना है चारों में से नाउन कौन सा है। तो देखिए इसमें नाउन है ब्रेवरी, मतलब बहादुरी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बाकी तीनों एडजेक्टिव है। देखिए नाउन का पहचानना बहुत ही आसान है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो कि नाउन को हम कैसे पहचाने, तो आप कभी भी उनके आगे हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव लगा के देख लो। आप पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, देखिए माय, यूअर, हर, हीज, ये चारों में से कोई भी एक लगा के देख लो आप। जैसे मैं दिखता हूँ माय ब्रेव, मेरा बहादुर, जम नहीं रहा है, माय ब्रेवरी, मेरी बहादुरी, ये जम रहा है। ऑनेस्ट, मेरा ऑनेस्ट नहीं जम रहा, मेरा ईमानदार क्या होता है, मेरी ईमानदारी या ऑनेस्टी होता तो हम लगा देते, और माय इंटेलिजेंट, मेरा इंटेलिजेंट। तो ध्यान रखना आपको कोई दिक्कत आए नाउन में, तो आप ये चारों में से कोई भी एक लगा के देख लेना, अगर फिट बैठ रहा हो तो वो नाउन ही कहलाएगा, ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुड बाय एवरीवन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।